एक संत की कलम से जब शास्त्र आलेखित होते हैं तब वे आपकी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। स्पर्श पद्म भूषण विभूषित जैनाचार्य पूज्य रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज ने 400 किताबें लिखकर लाखों जीवन को बदला है। 45 टॉपिक्स, मोर देन 1 करोड़ पब्लिकेशंस, 15 लैंग्वेजेस। बी अ विटनेस ऑफ बिगेस्ट हिस्टोरिक मोमेंट, इनॉग्रेशन ऑफ 400th बुक, 22 जनवरी 2023 अहमदाबाद, इन 40 लाख स्क्वायर फीट एरिया, जहां आप अनुभव करेंगे एक अद्भुत विश्व का, जहां आप सीखेंगे जीवन निर्माण के सचोट मार्ग, 1500 फीट लंबा 70 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार, 300 फीट बाय 300 फीट का विशाल गिरना, जहां हर शाम होगा अद्भुत 3D मैपिंग शो, रोचक अट्रैक्शंस, रत्न यूनिवर्स, रत्न सफारी, रत्न वाटिका, रत्न ट्रांसफॉर्मेशन, हजी तो प्रेम जाग्यो छे, पण हजी आटला बधा वर्षो थया छता पण चैत वंदन सूत्रना अर्थो आवडे एवुं पण सांभळ्युं छे। महाराज घणी वार के खाली व्याख्यान करवाथी न चाले एटले वाचनाओ करे, पण जेना मनमां थई गयुं होय के परमात्मानी भाव भक्ति करवी होय तो चैत वंदनथी ज थाय। 1 लाख रुपया तोलानुं केसर होय ने एनी पण पूजा करो तो शास्त्रकारो ए कह्युं द्रव्य पूजा, अने चैत वंदन करो ए भाव पूजा। तमने घी शेनू बोलो, चैत वंदन करवानुं बोलो, पूजा करो। हवे पूछो ये द्रव्य पूजा के भाव पूजा? जबरदस्त भाव पूजा मफत में मले तो ही करवी नहीं, अरे द्रव्य पूजा में पड़ापड़ी करवी से। आवी केटली समझो पायानी केळवारी जरूर से। मारे तो एनी आगळ एक एवुं हतुं के जो तमने जय विरायनी खबर पड़े, आभवमां खंडा पछी जय विराय बोलता 4 वस्तुनी आपणे वात करीए, दुःख कहो એટલે એવું કહો પરમાત્મા તારા જેવી શક્તિ આપે, 3 જગત ભેગા થાય તો પણ મને કોઈ દુઃખી ના કરી શકે, પૂરીને પૂરી સંપત્તિ ખતમ થઈ જાય તો પણ મને કોઈ દુઃખી ન કરે, હંમેશા સાથે રહેલા પણ મને છોડી દે તો પણ દુઃખી ન થાય, આવી ભાવના દુઃખ ખો। કરેલા ભયંકર કર્મો એને મારે વિદાય કરવા છે, કમક ખો। અને છેવટે સમાહી જ્યારે જ્યારે બોલાય અને અનુપ્રેક્ષા થાય તો આંખમાંથી પાણી નીકળે, સમાહી મરણમ છે। આ શાસ્ત્રકારોએ મરણને રોજ યાદ કરવાનું કહ્યું છે, આવું મને સમાહી મૃત્યુ મળે એ આપણી ભગવાનની પ્રાર્થના છે। અને આગળથી ચાલુ આવે છે, હોમ મમ તુહ પ્રભાવો, હે ભગવાન મને તારા પ્રભાવથી મળો। શું મળો? સમાહી। બાકી વાત હજી બેસતું નથી કે મરવાનું છે, કોઈનું થઈ જાય તો એમ થાય છે કેમ કે બધા થોડા મરી જાય છે, પણ ક્યારે ઉપડી જવાય છે ખબર પડતી નથી। અને શાસ્ત્રકાર કહે છે કે જેનામાં મૃત્યુના માટે વિચાર આવે એનામાં વૈરાગ્ય ના આવે એ કદી બને નહીં, અને આ મારું મૃત્યુ એવું થાય કે સમાધિમય થાય। ટૂંકમાં કહેવાનું એ છે કે આપણે જન્મ્યા છીએ એટલે જન્મ્યા છે એટલે મરવાનું જ છે, મરવાનું જ છે। અને આ વાતનો ખ્યાલ આવે તો જે પણ વાત તમારા મગજમાં બેસી જાય, જે પણ સૂત્રો તમારા મગજમાં બેસી જાય એને લઈ જાઓ, નહીં તો હીરાબાને પૂછી આવો, એ સૂત્ર આપે છે,
काम करजो बुद्धिथी अने पछी जीवन दिवसो शुद्धिथी। आ 100 वर्षनी बाईए कह्युं छे, प्राइम मिनिस्टरे नहीं प्राइम मिनिस्टरनी माए कह्युं छे। जो आ वात अपना मनमां बेसी जाए, कोई पण एक वस्तु मगजनी अंदर आराधनानी पकड़ी जाए तो आपणा जीवननुं काम थाय थाय अने थाय। तो महाराज तो कहे छे तमे एक झोपड़ी वाँचीने काम करो तो सारो, मारे तमारा माटे 400 पुस्तक लखवा। केटला? 4। चोक्कस छे के सरळताथी कंईक पण वाँचवामां आवे तो आत्मामां परिणति थया वगर रहती नथी। संक्षेपमां आपणे एवुं कहेवुं छे के महाराज अहीं क्यारे पधार्या हशे खबर नथी, आया था कोई वक्त 20-25 वर्ष सारूँ थे रिन्यू कराई थी तो। अने वात एक से के खूब भावपूर्वक अहिया आवानू थयू छे, पण आम तो मारी पासे वात आई थी तन दाड़ा से, एटले हूँ तन दाड़ा थी तैयार हतो। पछी कहू 2 दाड़ा से, पछी कहू 1 दिवस। आवुं चाले, आपणे कहीए अमारा 2 दिवस ओछा कर्या छे। ए क्यां गयो भाई महेश, क्यां बैठो छो? 2 ચોમાસા કરાવી દે છે, 2 દિવસ બાકી રહ્યા છે, તો 2 ચોમાસાનો ચાર્જ લઈ લેવો। ખૂબ સુંદર ભાવના છે, અમારે તો છેક ભુવન ભાનુ શ્રી મહારાજના વખતથી અમારી મૈત્રી ચાલુ છે અને ચાલુ છે। એક જ વાત એ પણ કહે છે, એક જ વાત અમારે પણ કહેવાની છે કે બધાનો અનુવાદ એક જ છે, જૈનમ જૈનમ। એક વખત એવું થયું હતું કે આ જૈનમ જૈતિ શાસ્ત્રોની બધાને માળા ગણાવતો હતો, તો એક જણ એવું કહે કે જૈનમ જૈતિ શાસ્ત્રમ જૈનમ જૈતિ શાસ્ત્રમ। મેં કહું ભૈયા, જે સર્વાનુમતે થાય ને એ માનો, મંગલાચરણ એ પણ જુદું કરી શકે, હું પણ જુદું કરી શકું, મંગલાચરણના શ્લોકો બધાના જુદા હોય એ બની શકે, પણ છેવટે સર્વ, અત્યાર સુધી મેં કોઈને નથી જોયા કે જે સર્વમંગલ ન બોલતા હોય, અંતમાં તો એક જ બોલવાનું, જૈનમ જયતિ શાસ્ત્રમ। અને એ જૈનમ જયતિ શાસ્ત્રમનો પ્રબળ પુરુષાર્થ કરી રહેલા છે ખૂબ ખૂબ રીતે। હવે એમને કંઈ પરિચય આપવાની જરૂરત નથી, હું તમને પરિચય આપવા માંડો તો કે મારા તમે એમના વિશે નથી જાણતા, મને ખબર છે, એટલે આપણે પરિચય કોઈ આપતા નથી। પણ એક જ વાત, એમની એક વાત મને બહુ જ અપીલ કરી ગઈ કે એમને ચતુર્વિધ સંઘ માટે, એક એક સંઘ માટે એક એક કર્યો, બધા સાધુ જે એમને જાણતા હતા ને એમને જે જાણતા હતા એ બધાના જીવનનો ઉલ્લેખ શોર્ટમાં કર્યો, એ જ રીતે બધા જ સાધ્વીજીઓ એમનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, એ રીતે બધા શ્રાવકો અને શ્રાવિકાઓ। આનો મતલબ એ છે કે ચતુર્વિધ સંઘની ચિંતા અને અનુમોદના છે, અને જેને ચતુર્વિધ સંઘની અનુમોદના હોય એને તત્વાર્થમાં બતાવ્યું છે કે બીજી આ ભવિતવ્યતા જોડે જાય તો તીર્થંકર નામ કર્મ ચોક્કસ બંધાય બંધાય ને બંધાય। એમની ઘણી ચોપડીઓ વાંચી, પણ આ 4 ચોપડીઓએ મને હદ વગરનો ખુશ કરી દીધો છે, કારણ કે તમામે તમામમાં નજર એ જ આવવી જોઈએ કે મારી આજુમાં બાજુમાં આગળમાં પાછળમાં પણ એનામાં કયો ગુણ રહેલો છે। અરે કોઈ બાણ મારે ને ગોળી મારે ને તો પણ કહેવું જોઈએ, મને મારો છે જુદી વાત છે, પણ મારવા જેવી તારીખ કળા મેં બીજામાં જોઈ નથી। આવી ભાવનાઓ આપણી અંદર પેદા થવી જોઈએ। હવે એ મેં ગોળીની વાત કરી, એમને કહીએ ગોળીઓ શરૂ કરો, જૈના જયતી શાસ્ત્ર पूरी जिंदगी में एक चीज ऐसी है, न जिनका हम अर्जन कर सकते हैं न जिनका हम संग्रह कर सकते हैं,
न जिनका हम संवर्धन कर सकते हैं, न अर्जन, न संग्रह और न संवर्धन। वो एक चीज का नाम है जिनका नाम है समय। न हम अर्जन कर सकते हैं, न इनको स्टोरेज कर सकते हैं, न इनको बिठा सकते हैं। और इसी चीज को लेकर के भगवान महावीर परमात्मा ने मुझे और आपको एक राय दी है, एक समय का भी क्रमात्मत करना। आज थोड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। यदि आपको लगता है आप जिस रास्ते पे निकले, साइन बोर्ड आपको दिखाई पड़ा और आपको लगा गलत रास्ते पे मैं आगे जा रहा हूँ, सच बोलो फिर उसी रास्ते पर आप कितना आगे जाएंगे? ओके, पहले नंबर में आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ, रिटर्न ऑन टाइम, सही समय पे हम वापिस आ जाए। यदि आपको लगता है मेरे मन की शांति डिस्टर्ब हो रही है, मेरी चित्त की प्रसन्नता डिस्टर्ब हो रही है, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मैं नहीं कहता हूँ भगवान महावीर की बात, आपको खुद को एक्सपीरियंस हो ये रास्ता गलत है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, सद्गुरु सही समय पे तुम वापिस आने के लिए तैयार हो गया? एक बात याद रख, जो सारू करवा मटे कोई उम्र नानी नथी, परिवार सारू करवा मटे कोई उम्र नानी नथी, खोटू छोड़वा मटे कोई उम्र मोटी नथी। सारू ज करवू छे तो 8 वर्षे पण सारू थाय, अने खोटू छोड़वू तो 80 वर्षे पण अटकी जवाय। आई वुड लाइक टू वन क्वेश्चन टू यू, आपको किस क्षेत्र से वापिस आने का मन होता है? बहुत हो गया, अभी नहीं, रिटर्न ऑन टाइम। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जिसकी अच्छी भावना थी, समय चुक गया, 2 साल के बाद लिखता हूं और जीवन समाप्त हो गया। पैर में यदि कांटा गड़ जाता है तो कितने टाइम के बाद निकालेंगे आप? ओके, घर में कचरा है तो कितने टाइम के बाद? तुरंत। पैर में कांटा गड़ जाए तुरंत, आंख में तिनका गिर जाए तुरंत, घर में आग लग जाए तुरंत। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में अशांति संक्लेश क्लेश ये होने के बाद, जिस कारण से मेरे मन में क्लेश है वो पता चलने के बाद, मैं कम बैक कब करूँगा? इनका ही अर्थ अपने वहां प्रतिक्रमण लिखा है, वापिस चले आओ। आक्रमण करना वो संसार है, प्रतिक्रमण करना वो शासन है। आक्रमण करना वो संसार है और प्रतिक्रमण करना वो तो शासन है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, दो टाइम प्रतिक्रमण की बात अलग है, मगर आपको लगता है परिवार के साथ, पत्नी के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ थोड़ा गलत बोल दिया और गलत बोलने से इनके दिल को मैंने चुबा दिया, रिटर्न ऑन टाइम, उसी टाइम वापिस आ जाओ। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, गलत रास्ते से वापिस आने का मन होता है, मगर जिस रास्ते पे मन की अशांति हो उस रास्ते पे वापिस आने का मन कब होगा? रिटर्न ऑन टाइम। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या? आपको लगता है कि अभी जिस रास्ते पे जा रहे हो वो सीधा रास्ता है, सरल? आपको मैं इस प्रवचन में पूछना चाहता हूं, आप जो रास्ते पे आपका मन अभी जा रहा है, आपका वचन जा रहा है, आपका रिलेशन जा रहा है, आपको लगता है ऑन द राइट ट्रैक? मैं नहीं कहता हूं, आपका ओपिनियन, आपका एक्सपीरियंस बोलूं कि गुरुदेव मजा नहीं है जीवन में, इतना होने के बाद भी गुरुदेव कुछ शांति नहीं है,
यदि आपको लगता है तो वापिस आने में आपको रोकने वाला कौन है? रिटर्न ऑन टाइम। आज आप बताएंगे, मैं नहीं पूछूं। यदि आपको लगता है कि ये रास्ता मेरा सोचने का गलत है, कम बैक। ये मेरे शब्द गलत था, कम बैक। एनी आंसर फ्रॉम यू? रिटर्न ऑन टाइम। क्या है साच बोलो, कितनी खा दी तमें? ठोकर ओछी खा दी है? रोज ठोकर ज खाओ छो? नहीं, आपका आपका जवाब मुझे पसंद आया। कब आपको नहीं लगता कि बहुत कुछ मान खाया है, क्रोध करने के बाद तुमने लगा कि नहीं बोला होता तो अच्छा था? ये हजारों बार तुम्हें लगा है, फिर भी तुम अभी वापस क्यों नहीं आए? मैं आपके सामने हजारों प्रश्न निकाल सकता कि तुम्हें लगा नहीं किया होता तो अच्छा था, फिर आप वापस क्यों नहीं आए? यह जो कम भी नहीं करना चाहूंगा गुरुदेव। नहीं, आप मुझे बताओ, मेरे और हम सबके जीवन की एक व्यवस्था है, रिटर्न ऑन टाइम। समझ में नहीं आएगा आंख कब बंद हो जाएगी। रात को सोने वाला सुबह उठा और पैरालिसिस का अटैक आ गया था। मैंने बहुत ऐसे लोगों को नजर आंखों के सामने देखा था, सब इनकी कल्पना भावना सब मन में रह गई। एक बात कहूं, मर्सिडीज में बेसीने रड़वा करता, साइकिल पर बेसीने हंसू सारू। पल्ले पड़ू गई। साइकिल माने क्या मानते हो तुम? टू व्हीलर, सिर्फ झोपड़पट्टी में रहता है मगर ही इज हैप्पी। 8-10 करोड़ के बंगले में बैठा है मगर वो अंदर से रोता है। दुनिया को लगता है कि मर्सिडीज में घूम रहा है, उनको पूछो तो सही कि तू हैप्पी कितना है। आपकी मानसिकता में पूछना चाहता हूं, वी आर रेडी टू कम बैक एंड रिटर्न राइट टाइम, रिटर्न ऑन टाइम। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूं, इंदौर में मेरा छात्रवास था बरसों पहले, बहुत आनंद आएगा आपको। एक छोटा सा नियम दिया था कि भिखारी कोई भी मिले उनको 1 रुपया कम से कम देना। बिफोर 15 ईयर्स की बात मैं करना चाहता हूँ। और यदि 1 रुपया देने से चूक गए तो 1000 रुपया की पेनल्टी। कितनी? 1000। एक लड़के ने मुझे पूछा कि महाराज साहब ये कॉन्ट्रावर्सी समझ में नहीं आता है, 1 रुपया और सामने 1000 रुपया। मैं कह दूँ हाँ, मैंने के कारण सुन, मैं कह दूँ 1000 रुपया इतना माटे सवार थी उठी जाती भिखारू सुधीस, आप ही दो नहीं तो 1000 चोट से। समझे ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इनके दिमाग में बैठी बात तो सही है, यदि 1 रुपया दे दिया तो भी टेंशन नहीं देगा, 1000 की पेनल्टी। और एक लड़का मुझे मिलने के लिए, आप मेरे कल में आपको बताना चाहता हूँ एग्जाम्पल। वो लड़के ने नियम लिया था, सोमवार का मेरा प्रवचन बंद रहता था और लड़के वो संडे की शिविर थी, शिविर के पहले वो लड़के उसी रास्ते पे गया। उसने एक भिखारी को बोल दिया था, रोज यहाँ ही बैठना, मैं रुपया दे दूंगा तुझे। तब समझे ना, हमारे पुस्तक ना लाइव मेंबर खड़ा, भिखारी ना लाइव मेंबर बना भी दे, ले जा भाई रुपये। और वो दिन माना साहब ऐसा हुआ, लड़का मुझे मिलने के लिए आया था, वो दिन ऐसा हुआ भिखारी माना साहब था ही नहीं और मैं आगे निकल गया। फिर संसार का कार्य आए, व्यस्तता बहुत आ गई, रात को 1 बजे नींद उड़ गई तो पता चला 1000 की पेनल्टी लग गई।
मगर सोमवार को मारे से उसी रास्ते पे जाता था और भिखारी को मैंने पूछा कल कहाँ था। तो मेरे पास यदि हृदय जैसी चीज हो तो सोच लेना। महाराज साहब वो भिखारी ने मुझे जवाब दिया, पैर से सर तक हिला दिया महाराज साहब, भीख मांगने वाला भिखारी। तब उसने कहा कि देखो मैं भिखारी हूँ, बात सही है, मगर मेरा भी परिवार है, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे दो बेटे, रविवार हूँ धंधो नहीं करतो, परिवार साथ काटू छू। आई वुड लाइक टू आस्क यू, एक भिखारी बोलता है कि मेरा भी तो परिवार है, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे दो बेटे, मेरी पत्नी, उन लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, संडे के दिन बिजनेस नहीं करता हूँ, कौन सा तो मैं यहाँ। याद रहेगा इंदौर इस किताब में मैंने ये दृष्टांत लिखा था, और इसी अहमदाबाद के टॉप क्लास का सी है, उनका मेरे पे पत्र आया, महाराज साहब ये भिखारी का एग्जाम्पल सुन के पूरी रात रोया हूँ महाराज साहब। मेरी पत्नी ने बोला कि आपको मेरे साथ बात करने का टाइम नहीं, मैं मायके चले जाऊँ। मेरे पिताजी ने बोल दिया था मुझे ओल्ड एज आश्रम में, हृदय बेटा तुम इतना पागल, फाइल फाइल फाइल, तेरे बाप के साथ बैठने का टाइम नहीं है, रख दे मुझे ओल्ड एज आश्रम में। महाराज साहब पत्नी बोलती है मायके चले जाना है, पिताजी बोल रहे ओल्ड एज आश्रम में, और मैं अहमदाबाद की फाइल घुमा लेता हूँ सीए में। इस भिखारी का एग्जाम्पल सुनने के बाद गुरुदेव फिक्स कर दिया, संडे नो बिजनेस, सिर्फ परिवार के साथ, रिटर्न ऑन टाइम। और सिर्फ प्रवचन सुनकर निकल जाएंगे। तुमने कभी ये सोचा एक भिखारी अपने परिवार के साथ संडे के दिन निकालता है, तुम्हें टाइम नहीं है। आप मुझे बता पाएंगे, आपको लगता है कि गुरुदेव ये व्यवस्था बदलनी चाहिए हमको? मेरी पत्नी का ऑपरेशन डॉक्टर गौरंग, बंबई का बहुत बड़ा नाम, ऑपरेशन करने के बाद हॉस्पिटल में दो तीन दिन रहा तो मेरे पास बैठे, वो प्रवचन रोज सुनते थे मेरे, और उसने बता दिया हमारे से भी एक व्यवस्था बना ली है मेरे, एक एक दो दो महीने का मेरे पास बुकिंग रहता है, मगर घर से निकलता हूँ, मेरे छोटे भाई के वहाँ माता पिता रहते हैं माना साहब, 9 में 5 कम होती है वहाँ पहुँच जाता हूँ, जिस कमरे में माता पिता रहते हैं कमरा बंद कर देता हूँ और मोबाइल भी बाहर रख देता हूँ, 1 घंटे पिताजी और माँ के साथ दिल से बात करता हूँ। आपके पास इनका जवाब है क्या? परिवार को सामग्री न दो चलेगा, संपत्ति न दो चलेगा, समय तो निश्चित तौर से देना। आपकी दुनिया आप कितनी सामग्री देते हो उससे खुश, आपका परिवार आप इनको कितना समय देते हो उससे खुश। मैं दिल से पूछना चाहता हूँ, कभी लगता है कि रिटर्न होना जरूर है? हाँ बोलूँ कि ना बोलूँ? आपको लगता है कि इस रास्ते से, हर रास्ता नहीं, कोई रास्ता ऐसा है कि बस माना साहब टाइम हो गया, बस नाउ आई एम कम बैक, सासू बहु देराणी जेठानी भाई भाई जो भी है उनको लगता है बहुत हो गया अभी रुक जाओ। हाँ बोलो कि ना बोलो? और यदि आप वापिस आना चाहते हो, मैं दिल से कहना चाहता हूँ आपको रोकने वाला कोई नहीं है, सिर्फ आपका खुद का मन। आगे चलूँ? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? रातों भूलो मानवी दिवसे मारक जाए, रातों भूलो मानवी दिवसे मारक जाए, अंधेरे में गुम हो गया आदमी
उजाला में अपनी जगह पे आ जाता है। रात को अंधेरे में रास्ता नहीं दिखा पड़ा इसलिए भूल गया था, मगर दिन के उजाले में पता चला आई एम द रॉन्ग ट्रैक, वापिस आ गया। रातों भूल्यो मानवी दिवसे मारक जाए, दिवस तो भूल्यो मानवी फिर गोता खाए। अंधेरे में गुमराह होने वाला उजाला में आ जाएगा, मगर उजाला में ही गुमराह हो गया वो जाएगा तो कहाँ जाएगा। 12 बजे का सूर्य का प्रकाश था, वो गुमराह हो गया, कौन वापिस लाएगा। आपको रामायण और महाभारत का थोड़ा तो मालूम होगा ना, सच बोलो, आपके घर में रामायण और महाभारत के युद्ध में जो कानून थे वो कानून आपके घर में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो? युद्ध नहीं, युद्ध के कानून नहीं समझे? महाभारत के युद्ध के जो कानून थे वो कानून आपके घर में इम्प्लीमेंट होते है क्या? साहब चातुर्मास ने विनंती करे એટલે વા ખબર પડે ને પછી તું બોલ ક્યાં હે બોલ સમજવો ભારે નથી, તમે ભૂલમાં છે ને કુંભાર હતા ને બેટ્સમેન થઈ ગયા છો, એની તકલીફ છે। કોઈ બેટ્સમેન એમ કે ખરો બોલને સમજી નથી આવતો, તો ક્રીઝ ઉપર પહોંચો શું કામ? હે સેન્ચુરી પેલે ઉભા તો રહો શાંતિથી। महाभारत का युद्ध का एक कानून था कि सूर्योदय के पहले कभी युद्ध शुरू नहीं होता था और सूर्यास्त होते होते युद्ध विराम हो जाता था। आपके परिवार में कम से कम इतना नहीं कर सकते हो कि सूर्योदय के पहले घर में पति पत्नी के साथ देरानी जेठानी भाई भाई सास बहू कोई किसी के साथ ऊंचे आवाज से बात नहीं करेंगे, और शायद हो भी की बात दिन के उजाले में सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होते होते रिटर्न ऑन टाइम, राइट टाइम पे हम वापिस आएंगे। रामायण महाभारत घर में नहीं ला भी सकता, व्हाट इज द प्रॉब्लम? गाड़ी बंगले मोटर बना दिए, पैसे तुमने बना लिए, तुम्हारे जीवन तुम्हारा सफल हो गया, ये कम बैक कब करेंगे? गुरुदेव अब नहीं, ये कम आएगा? आज से गुरुदेव वो रास्ता नहीं, बस रुक जाता हूं, वापिस आ जाता हूं। बहुत परिवार के साथ बवाल बहुत मचा दिया गुरुदेव, बस दैट्स ऑल, आई विल कम बैक। नंबर एक रिटर्न ऑन टाइम, नंबर दो रिटायर ऑन टाइम, नॉट रिटर्न, रिटायर ऑन टाइम। एक समय होता है बस, मैंने किताब लिखी थी कहीं रुको कभी रुको, एक करोड़ दो करोड़ तीन करोड़ पांच करोड़ सात करोड़ दस करोड़ बीस करोड़ पचास करोड़ सौ करोड़ कहीं रुको, और कभी रुको अंदर एज जो 50 55 60 65 70, बस गुरुदेव रिटायर, अभी अभी नहीं, अभी वो पैसे का पाप नहीं, आंख बंद होते वक्त ये सब छोड़ के चले जाना है। 4 स्टेज के कैंसर में ये पैसा अब जो रुपया होने के बाद भी शांति नहीं देगा, नाउ दैट्स ऑल रिटायर। I would like to ask you, sir, return on time, ये बात आपके मन में जो बैठी है आप इम्प्लीमेंट करना, आप रिटायर कब होंगे?
अकेले पैसे से नहीं, कसाई से भी, अधिकार से भी, ये मेरा राइट है, बस बोध हो गया। पूरी जिंदगी पर तो राइट की बात करते करते अनेक बात कही दू। परिवार में अधिकार जमावा जाए छे, एने आउटपुट में धिक्कार ज मळे छे। अधिकार जमावा जाए एने धिक्कार ज मळे, धिक्कार ज, धिक्कार थी बचवो तो बे चीज थी खास बचो, अधिक थी बचो अने अधिकार थी बचो, अधिक थी अने अधिकार थी, एक्सेस। इस सभा में बैठने वाले यदि आप जवाब देंगे, रिटायर का टाइम कब, नहीं कमेंट मत करना, मैं गंभीरता से आपको बोल, वेल यू विल बी रिटायर। आप सिंसियर नहीं हो इसके क्षेत्र में, मेरे छात्र में मेरा प्रवचन चलता था और प्रवचन में करीबन 200-300-400 करोड़ का मालिक, इनके साथ ये डिबेट चल रही थी रिटायरमेंट की। आपने मुझे सिर्फ इतना ही कहा चालू प्रवचन में, मन से बेकार कंपनी हो तो हम रिटायर जब भी चाहे हो सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे से मेरी 200 कंपनी फॉरेन में है, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, वियतनाम, अमेरिका, इंग्लैंड, कोई देश बाकी नहीं है। और आप बोलते हो रिटायर हो जाओ, आसान है हमारा सब, कि आपका बोलना सरल है, 200 जगह कंपनी वाइंड अप कर दो। मुझे नहीं बोलना चाहिए था मगर फिर भी मेरे मुंह से शब्द निकल गया। इसी प्रीमाइसिस से बाहर निकलने के पहले पैरालिसिस हो गया, अटैक आ गया, जीवन समाप्त हो गया, ये 200 कंपनी का वाइंड अप कौन करेगा? इनके दिल को चुप गई बात। प्रवचन के बाद एक घंटे के बाद आपके पितर को लेके आए वो मेरे पास, जिनकी 200 कंपनी फॉरन में थी, वो खुद इनके बेटे को लेके आए और बेटे को लाकर के बेटे को ये इतना बोल दिया कि आज गुरुदेव ने प्रवचन में वो कहा, इस प्रीमाइस से बाहर निकलने के पहले जीवन खत्म हो गया तो ये कंपनी को वाइंड अप कौन करेगा? और गुरुदेव की बात मुझे बिल्कुल सही लगी। आज दिसंबर चल रहा है, 31 मार्च को तेरा बाप जिंदगी भर तक रिटायर है, तुझे जो करना है वो कर लेना। करीबन 500 करोड़ का मालिक 3 महीने की नोटिस में बेटे को बोल दिया मैं रिटायर हो जाऊंगा और 31 के पहले वो जीवन भर के लिए रिटायर हो गए। और अभी मैं बात करना चाहता हूँ रिटायर होने के बाद रोज की 8 सामयिक। दोस्तों कंपनी का मालिक यदि जो चाहे तो रिटायर हो सकता, तो तुम्हें किसकी क्या क्या काम है? आज पूरा प्रवचन में समय पे लेके बैठा हूं, रिटर्न ऑन टाइम, रिटायर ऑन टाइम। आपसे मैं जवाब चाहता हूं, नहीं होने के पीछे कोई ठोस रीजन बता दो ना मुझे। क्या है? ना मन चंचल से ना रे ना, तमें कोकोना बाजार में पैसा बहुत सारा लगे घरे भूली जो छो बोलिया कौन है तुम्हारा? મન ચંચળ છે એમ સાચું ને? રૂપિયા ગણતા ગણતા મન આડુંડું ગયું ક્યારે? નો કોમેન્ટ પ્લીઝ। આજ 1 ઘંટે કે પ્રવચન મેં કિતના બતાઉં,
बंबई वासी में जिनका एक लाख स्क्वायर फीट का एम्पायर बन चुका था, 1 लाख स्क्वायर फीट। 12 साल के बाद इनका मित्र अमेरिका से मिलने के लिए आया, गाड़ी लेके एयरपोर्ट पे गया था और मित्रों ने कहा 12 साल के बाद मिलता हूँ मेरे मित्र को, 1 लाख स्क्वायर फीट का एम्पायर जिसने बना दिया, इतना सफल दौड़ूंगा, चिपक के धन्यवाद दे दूंगा। मगर एयर से वो नीचे उतरा और वो आया तो लगा कि उठमना में बैठा है, चेहरे की मुस्कान खत्म थी। खैर, लेने के लिए आया था, लेना ही पड़ा। गाड़ी में बैठने के पहले पूछा, दोस्त हुआ क्या, मैं 12 साल के बाद आया, तुझे ना पसंद आया ऐसा तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, 12 साल के बाद मेरा फास्ट फ्रेंड तू मुझे मिला तो बात क्या है, परिवार में कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस में नथिंग एल्स, देन व्हाट? सब बंबई जाके मैं दिखा देता हूँ। सन्नाटा छा गया गाड़ी में, दोनों में से एक भी बोले नहीं। मित्र कलका में चढ़ गया, क्या हुआ होगा इनको, और अपनी केबिन में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद ड्रोर खोल दिया, ड्रोर, और ड्रोर खोलने के बाद एक कागज इसके हाथ में थाम दिया, ये पढ़ ले। पढ़ने के बाद सच है क्या, डेट देख ले, 15 दिन पहले की डेट थी, ही वॉज ओनली 34 और 4 स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 1 लाख स्क्वायर फीट का एम्पायर बनाने के चक्कर में भागते चला, भागते चला, भागते चला, और आउटपुट में ये 4 स्टेज का कैंसर मिला है। बस डॉक्टर ने बोला कोई मेडिसिन नहीं है, जाने की तैयारी कर दो। किसके साथ तुम चीटिंग करते हो, खुद के साथ? रोग और मौत उसमें जूनियर सीनियर का क्रम नहीं है। हीरामा भले 100 साल में जाए, कोई 3 साल में चला जाता है, कोई माँ के पेट से मर जाता है। तीस साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, गाड़ी आ गई, बंगले आ गए, FD बन गई, बेटा भी बोलता है पापा दर नहीं, मैं तारूंगा। यहाँ बैठने वाली माताओं को भी मैं कहना चाहता हूँ, आप भी आपके परिवार से रिटायर हो सकती हो, कमेंट मत करना। मैं कितनी सास को बोल सकता हूँ बस हो गया, बहुत, पूरी जिंदगी पर तो बहू को संभाल लिया, अधिकार छोड़ दो अभी, बस हो गया बहुत। आपकी बहू आपको पूछता है मम्मी ये क्या करूँ, ठीक लगे वो कर, गलती होगी मैं दिखा दूंगी और राय दूंगी, मानना न मानना तेरी मर्जी की बात, आई एम रिटायर। रिटायर ऑन टाइम, राइट टाइम पे रिटायर हो जाओ। रिटर्न ऑन टाइम एंड रिटायर ऑन टाइम। क्या लगता क्या है, ये बात सिंसियरली सुन दो कि ये मनोरंजन है क्या? चलो आगे। नंबर 1 रिटर्न ऑन टाइम, 2 रिटायर ऑन टाइम, नंबर 3 रीट्राई ऑन टाइम। रीट्राई, रीट्राई, रिटायर नहीं, रीट्राई। एक अम्बिल किया सफल नहीं बना, रीट्राई। अठम कर दिया सफल नहीं हुआ, रीट्राई। सामयिक कर दिया, सामयिक जितनी जमनी चाहिए इतनी जमी नहीं, रीट्राई। मैं जो कहता हूँ समझ गए ना? आपकी परिभाषा में बताऊं, पेमेंट के लिए रीट्राई करते हो ना? नहीं, एक बार गए नहीं दिया छोड़ दिया क्या? नहीं,
आप जाते रहते हो, जाते एक दो तीन चार पाँच दस बार बीस बार, जब तक आपको लगता नहीं नहीं जाऊँगा, रीट्राई। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, धर्म के क्षेत्र में रीट्राई की मानसिकता कितनी, परमात्मा की पूजा करने के बाद भी गुरुदेव आंखें विकार कम नहीं हुए, रीट्राई। दान करने के बाद भी गुरुदेव मजा नहीं आती, रीट्राई। नहीं आप बोलो मुझे, एक सामयिक में आपके आपने बताया ना, मन चंचल है, रीट्राई। एक सामयिक में नहीं जमा, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी नहीं, क्या जमेगा? करो, इतनी भी क्रिया करो, बिना मन भी क्रिया करते चलो। एक बात ख्याल रखना, बिना मन भी धर्म करते चलना, मन हो तो भी पाप मत करना, बिना मन भी धर्म करना। एक छोटा सा प्रश्न पूछो, जिसके वहां शादी होती है वहां तुम जाते हो, हर जगह आपका मन होता है तभी जाते हो, बिना मन भी जाते हो? क्यों जाते हो? अटली तो अक्कल छे तुम्हारा, मैं बरसों पहले घाटकोपर में था, नवरोजी लेन में मेरी ओली चल रही थी, ओली में मैंने एक सजेशन दे दिया कि तुम जो भी शादी की पत्रिका लिखते हो ना, वहाँ सब पत्रिका लिखते हो, नीचे एक लाइन लिख दो, जनु मन न होए ना आशीर्वाद आपा अबू नहीं। ख्याल है? क्या हुआ? केम હવે ખબર પડી તમારું લગ્ન જીવન જામ્યું કેમ નથી? આ બધા રોતા રોતા જાય છે, એ તો અચ્છા હે અમદાવાદ હૈ એસા જવાબ દિયા, કોઈ નહીં આતા હૈ વો ઘાટકોપર મેં તો જવાબ દેને વાલે ને મિરેકલ જવાબ દિયા, મેને બોલા ક્યા હુઆ, મેં બોલા ઇતના હી લિખ દેના નીચે, તાજા કલમ રખો, તાજા કલમ सब कुछ लिखने के बाद लिखना, बेमन से कोई आशीर्वाद देने के लिए आना नहीं। महाराज साहब आप क्या बात कर रहे हो, मन न हो तो ये लग्न में आऊ नहीं, साहेब जेना लग्न से अनुज मन नहीं, क्या मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं खुद 56 साल के दीक्षा भरे के बाद मैं मेरी बात करूं, रोजे 9 बजे प्रवचन का मूड नहीं होता है, शरीर है, कहीं रात को नींद नहीं, हजार कारण है शरीर का, वी आर थकान, मगर एट राइट टाइम प्रवचन में आता हूँ, दिल से प्रवचन करता हूँ, हर रोज प्रतिक्रमण का भी मूड नहीं होता है, इतने भाव हाइट पे नहीं होते। दिल्ली की 50 डिग्री की गर्मी में वी आर का मन कहाँ होता था, 50 डिग्री, मगर एक जीवन का कर्तव्य था, सुबह 5:30 बजे चलो भैया, और 50 की गर्मी अनबेरेबल, बैठे बैठे भी गिर जाता था, इतना बीपी मेरा कम हो जाता था। मैंने गच्छाधिपति को लिखा था, जय गोस्वामी को, मेरा काम नहीं है दिल्ली में गुरुदेव, मैं बैठे बैठे गिर जाता हूँ, ये पाठ पकड़ के बैठा हूँ तब तक जिंदा हूँ। और आपको मालूम है गच्छाधिपति ने मुझे वो लिखा था, रत्न समान भगवान मावी ने राजगृह में 14 चातुर्मास किए थे, तुम्हें 14 करना है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मन ये मुनि जीवन मन से नहीं चलता है, आज्ञा से चलता है। स्वाध्याय करने का मन है कि नहीं, गुरुदेव की आज्ञा है, करो बस बैठ जाओ। विहार करने का मन है कि नहीं, गुरुदेव की आज्ञा है, करो विहार। और धर्म करने में आप यही बात लाते, गुरुदेव मन नहीं है, मन नहीं है, हजार जगह तुम्हारा बिना मन, तुम नौकरी करने वाले को पूछो मन से नौकरी करता है क्या? मैं दिल से कहना चाहूँगा, रीट्राई। आज 56 साल के दीक्षा पर मैं मजे में क्यों है, रीट्राई। किसी भी चीज छोड़ने की बात की नहीं, नहीं होगा जमेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तुम एक मिनट में धर्म छोड़ी दो छो, सब पूजा करो जो मजा नहीं होती, पूजा छोड़ी, सामयिक में मजा नहीं होती, सामयिक छोड़ी, आचार्य भगवान ने बहुत कमाल की बात की,
द्रव्य पूजा के लिए तुम 5-5 लाख की बोली बोलते हो और भाव पूजा में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। आखिर तो द्रव्य पूजा का आउटपुट भाव पूजा है। आप मुझे पूछ सकते हो मानस है रीट्राई ऑन टाइम, क्या दिक्कत क्या है? रिटर्न ऑन टाइम, रिटायर ऑन टाइम, रीट्राई ऑन टाइम, आपको मालूम है? तुम जीरण शेठ ने 4 महीने तक भगवान को विनती की थी, गोचरी बेदे के लिए भगवान पारणा मेरे वहां करना, और भगवान का अवसर ध्यान में है, परमात्मा ने जवाब ही नहीं दिया। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, मालूम है जीरण शेठ का एग्जाम्पल मानू है 120 डेज रीट्राई। मानस हमने गोचरी वरुण विनंती करी, ना पड़ी ना पड़ी ना पड़ी, कितना वक्त सुधी तुम्हें रीट्राई करी सको? जीरण शेठे 120 दिवस सुधी करी, और 120 दिन की विनंती के बाद भगवान ने कावसर पार तो लिया, ये नहीं कहा मैं आता हूं, मगर जीरण शेठ के मन में ऐसा हुआ 120 डेज की मेरी विनंती, मुझे छोड़ के भगवान दूसरे की विनंती कैसे स्वीकार सकते हैं, कोई आया तो नहीं है। रीट्राई में क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं, 100% जीरण शेठ फेल, भगवान नहीं आए उनके घर। चौमासी पारणो आवे करी विनती निजी घेर जावे, प्रिया पुत्र ने वाद जनावे पटकुण जरी पथरावे, महावीर प्रभु घेर आवे, कहां है कहां? बोला कि जीरण शेठ में आता हूं तेरे घर गोचरी बने की नथिंग, उभी शेरी है जड़ छंटकावे, जाई केत के फूल बिछावे, मेवा मिठाई थाल भरावे, महावीर प्रभु घेर आवे। पछी प्रभु ने वड़ावा जीशु, कहां आए भी तो आए भी नहीं, पछी प्रभु ने वड़ावा जीशु, भगवान आएंगे गोचरी बिरा दूंगा, फिर भगवान के साथ चलूंगा। और आपको मालूम है रीट्राई में जीरण से सफल नहीं हुआ, मगर 12वें देवलोक का आयुष्य का बंद कर दिया। हम इतने दरिद्र बन गए। मैंने एक बार गुरुदेव को गोचरी की विनती के नाम बता, दोबारा 3 बार 4 बार नहीं क्यों आएंगे? आई शेल ट्राई माई बेस्ट। अब खुद मन को बुझो कि हमारा मन सबसे ज्यादा चोर है। अलग अलग अनेक नानकड़ी बात कह दू, जेने सारू करवू छे ए कारण शोधे छे, नथी करवू ए बहाना शोधे छे, जेने कई सारू करवू छे कारण शोधे छे ने कारण मळी ज रहे छे, मळी ज रहे, नथी करवू ए बहाना शोधे छे। नंबर 4, रिस्ट्रिक्ट ऑन टाइम, रिस्ट्रिक्ट ऑन टाइम। आप गाड़ी लेके जाते हो रेड सिग्नल रिस्ट्रिक्ट, टॉप गियर पे गाड़ी चलाना चाहते हो मगर आपको उसी टाइम रुकना पड़े, ऑन टाइम। आगे निकलने के बाद यदि तुम रुक गए में भी पॉसिबल एक्सीडेंट हो सकता है, सही समय पे अपने पर नियंत्रित कर दो, ये है रिस्ट्रिक्ट।
अभी डॉक्टर बोला अभी भी गुटखा खाया तो मे भी पॉसिबल कैंसर आ गया, रिस्ट्रिक्ट रुक जाओ। टीवी की स्विच ऑन तो कर दी मग स्क्रीन पे जो आया वो इतना हलकट गंदा था, उससे टाइम तो मन कर दो, दो मिनट के बाद नहीं जीवन बिगाड़ जाएगा। और याद रख लो डिले इज द डेंजरस। मावी ने ना बोला है, सच बोलो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जिनमें एक एड्रेस है कि जिसकी ना से तुम विदाउट लॉजिक यू विल बी स्टैंड देयर, ओनली वन एड्रेस इन लाइफ भगवान गुरुदेव आपके माता पिता आपका कोई कल्याण मित्र चार भगवान मोक्ष में गए वो आपको सीधा रोकने के लिए नहीं आता तो जीवंत व्यक्ति चार, नंबर वन आपके गुरुदेव, सेकंड नंबर कल्याण मित्र, नंबर तीन आपके माता पिता और नंबर चार आपका खुद का कॉन्शियस। कॉन्शियस 100% जॉब देता है, नहीं 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 दुनिया कोई देखे ना देखे बोले ना बोले आपका कॉन्शियस कहता है ये गलत है ये गलत है ये गलत है। इंदौर का ये लड़का अमित 2009 में हीथरो एयरपोर्ट पर इनके हाथ के नीचे 1800 लोग 1800 लोग इनके हाथ के नीचे काम करते थे और 80 लाख का पैकेज व्हेन 2009 वो इंदौर में मेरे सामने बैठा था, इनके पिताजी का नाम राजू भाई, मैंने सर ये मेरा बेटा जब हीथरो लंदन गया ना तो मैंने कहा था अमित अभी तू अकेला है कुछ भी गलत करने का मन हो मैं तेरा बाप हूँ पुलिस तो नहीं हूँ मगर इतना तू मुझे वादा दे दे कि पप्पा कुछ भी गलत करूँगा कर दिया होगा आपको फौरन बता दूँगा। दूसरे से मुझे जवाब मिलेगा कि आपके बेटे अमित ने ये किया मुझे दुख होगा बेटा तू ही बता देना पप्पा आई एम गिविंग प्रॉमिस टू यू। और एक दिन मैंने साहब क्या हुआ अमित को पूछो, अमित सामने बैठा था, अमित क्या हुआ, मैंने साहब मेरा जन्मदिन था और मन हुआ कि वाइन पी लूं, मेरे मित्र भी मेरे साथ थे होटल में गए, ठंडी सखत मित कंपनी जबरदस्त होटल टॉप मेरी उम्र युवानी की, वाइन का ग्लास सामने और आकस्मिक गुरुदेव पिताजी का चेहरा आंखों के सामने आ गया। आई हैव गिवन प्रॉमिस टू माय फादर्स। और गुरुदेव रात को पिताजी को फोन लगाया, रात को 1:30 बजे फोन आया, अमित क्या है, पापा ये स्थिति है, ठंडी बहुत है, जन्मदिन है, मित्र है, पार्टी है, होटल है और टेबल पे वाइन का ग्लास है, पीने का बहुत मन है मगर आपने मुझे आपको मैंने वादा दिया था कुछ भी गलत करूँगा आपको पूछ लूँगा, पप्पा आप क्या कहते हो। मैंने राजू भाई को पूछा अमित का ये फ़ोन आया तो आपका प्रतिभाव क्या था, गुरुदेव वही बेटा पी ले मुझे से। मैं हैरान था, बोला अमित ने अमित को आपने हाँ बोल दिया पीने की, गुरुदेव बोल तो दिया मगर बोलने के बाद एक कहा, बेटा वाइन पीने की तूने परमिशन मांगी तो तेरा बाप तो तुझे इजाज़त देता है पर एक तने को तारा पिताजी ने रजा से तारा कॉन्शियस ने रजा ले लीजिए। साहब टेबल ऊपर थी उभो थी गया,
મારા કોન્સિયસે ના પડી. આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક યુ, કિસી ભી ગલત કરને કે પહેલે આપકે પર રિસ્ટ્રિક્શન કિસકા? ગુરુ કા, માતા પિતા કા, કલ્યાણ મિત્ર કા, ઓર આપકે ખુદ કે કોન્સિયસ કા? ના બોલતા હૈ. ટીવી કી સ્ક્રીન તુમ અકેલે હો, રાત કો 12 બજે હૈ, પરિવાર મેં કોઈ નહીં હૈ, તુમ જો ચાહે વો દેખ સકતે હો, ઓર અંદર જે કોન્સિયસ રો રહા હૈ, યે નહીં, પ્લીઝ બંધ કર દે, યે નહીં, ઓર તુમ ઇનકો ઓવરટેક કરકે જાતે હો. રિસ્ટ્રિક્ટ ઓન ટાઈમ, और पांचवें नंबर रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑन टाइम, रिजेक्शन. कल रात को 3 बजे हम कलम में जाएंगे, रिजेक्शन. ये ऑफर कभी मुझे मत करना. ना बोलना तो उसी टाइम ना बोल दो, यदि तुम ना बोलने में थोड़े कमजोर पड़ गए वो हैवी हो जाएगा तुम पर. इतना भयंकर जीवन, इतना भयंकर समय, इनके बीच में हमारा जीवन बेदाग बना है. हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, जो चीज मुनि जीवन में चमती नहीं उसको उसी टाइम रिजेक्ट कर देते. प्लीज बात ये मत करना मेरे साथ. मैं दिल्ली में था, सोनिया गांधी का रिप्रेजेंटेटिव जनार्दन द्विवेदी एक बार मिलने के लिए आया. 2008 के साल की बात, मेरे साथ नासिक वाले प्रवीण भाई बैठे थे, हम दो ही और जनार्दन द्विवेदी तीन. और आपने चेकबुक निकाली, मैं ऐसे बैठे बैठे देखते रहा. जनार्दन द्विवेदी ने बात निकाली, माना साहब मैडम ने मुझे भेजा है, सोनिया गांधी ने. गुर्दे की जो भी ट्रस्ट चल रहे वो ट्रस्ट में 10-25 लाख रुपया दे के आना. 10 ट्रस्ट, एक में 25 लाख, 2.5 करोड़ रुपया 2009. और जैसे उसने बात रखी, मैंने बोला जनार्दन जी एक बात का जवाब देंगे क्या? क्या हम इतनी बार मिले, आपको कभी भी लगा मुझे पैसे की किसी भी जगह जरूरत है तो कि नहीं? फिर मैंने बोला आपने हिम्मत कैसे की थी मेरे सामने चेकबुक निकालने की? आपने हिम्मत की ही कैसे? हमारे से मैडम ने कहा, मैडम को बोल देना चाहिए आपको कि गुरुदेव नेशनल इश्यू के लिए गए, कोई ट्रस्ट के लिए नहीं आए. आज आपने हिम्मत कर दी, मैं ना नहीं बोलता हूँ, मगर जब भी आओ कभी चेकबुक मत लेके आना, और चेकबुक लाना है तो मेरे पास आना ही नहीं. और जरा निकल गए. रिजेक्शन ऑन टाइम. आप सचमुच आपके जीवन को बदलना चाहते हो और निश्चिंत तो उसे जीवन में कुछ पाना चाहते हो, रिटर्न ऑन टाइम नंबर एक, रिटायर ऑन टाइम नंबर दो, रिट्राई ऑन टाइम नंबर तीन, रिस्ट्रिक्ट ऑन टाइम नंबर चार, रिजेक्शन ऑन टाइम नंबर पांच. आप प्रवचन पूर्व करता पहला एक वाक्य कही दो, उत्थान ने युगो जोइए छे, पतन पड़नो खेल छे. तमारे उत्थान करवू छे तो वर्षों ना वर्षों जीशे, पड़वू होय एक ज पड़ काफी छे. पालीताणाना पगथिया छोड़ा दरेक पगथिये सावध रहेवू पड़े, गोथुं ज खावू होय एक ज पगथियुं चूको सिद्धिनी छे. बरसों भी नहीं आया था, आज फिर आना हुआ. सबसे बड़ा आनंद तो
सोलह से संग मिले का आनंद है ही, मगर गचारी बुद्धि पूज्यपाद राज्य सीमा की निश्रा में एक दिन रहने का मिला बहुत आनंद है। मुनि जीवन है अलग अलग जगह पे कमिटमेंट होने के हिसाब से जाना होता है, बहुत पुराना संबंध हमारा। आपकी परिभाषा में बोलते हैं आत्मीय संबंध, जहां मैं और पराया ये भाव रहते ही नहीं। मन निश्चित तौर से होता और भी रुक जाऊं, मगर एक युग प्रधान आचार्य सम चंद्रशेखर में आपकी स्वर्गारूढ़ भूमि उनका वाइब्रेशंस लेने का कभी से मन था। उन लोगों का आग्रह तारीख 2 और 3 तपोवन में 4 और 8 फिर साबरमती में कम्युनिटी हॉल है, वहाँ 5 दिन की प्रवचन माला है, फिर 10, 11, 12, 13, 14 जैन नगर मेरे शिष्य ध्यान सुंदरी जी कंटिन्यूस 1030 अंबेल का पढ़ना है, और फिर 15 तारीख से जीएमडीसी ग्राउंड में 400वीं किताब का विमोचन, जिस प्रसंग को स्पर्श का टाइटल दिया गया है वहाँ रहना है। 26 जनवरी को 5 बहन और 3 भाई 8 दीक्षा है। अरे घर की घणी जोई वक्रो नहीं होगा पर रिट्राई। अट्टी बड़ी सरस सांभवानी रुचि आनंद है। वड़ी पाछू क्यारेक मेड पड़शे अभी जीशू। स्पर्श महोत्सवमां अठार तारीखे श्रुत आलेखनों एक भव्य प्रोग्राम छे। सरस्वती वंदना, जिस मां सरस्वती की कृपा से लिखने का माहौल चला है वही सरस्वती पूजन। नरेंद्र में सरस्वती माँ की प्रतिमा, मैं खुद स्टेज पे पूजन करूँगा और मेरे मुँह से सरस्वती का मंत्र प्रदान आराधना में जो भी बैठे हैं उन सबको मिलेगा। यदि आप चाहते हो इस पूजन में आप भी बैठो, विधि पूर्वक चैलेंजेबल मंत्राक्षर इनके साथ होने वाला ये पूजन, आप यदि बैठना चाहते हो विथ किट, एक साथ 2 लोग बैठ सकते हैं, पति पत्नी 2 भाई 2 बहन देराणी जीठानी कोई भी दो, 500 रुपये की किट है। आप यदि लेना चाहते हो सही जगह पे कांटेक्ट कर लेना, बार भी पास है तो आप ले सकते हो और उसमें आ सकते हो। फिर कभी आना होगा बच्चा निपति भगवान को विनती करता हूँ आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊँगा।
पचकाण उपवास विद्रा मिच्छानु हाउ बार शक्ति विक्रम गुरु का पात्र प्राचीन तीर्थोद्धारक और अपना सोलारो का उपकारी और गुरुदेव जल्दी भाई सरस्वती लब्ध प्रसाद पद्मभूषण राज प्रतिबोधक रत्न सुंदर श्रीसजी महाराजा साधु भगवान साधवी जी बोल सु सावकसुर साविका आज का सरस विषय तुझे पास ही आपने पीसियो जो जीवन में उतारवा लाए साचे जाजे गुरुदेव ने अपने एक विनती के गुरुदेव अहर आपकी पास हमें आ वक्त अमार घर चाचू पास कोई साधु भगवान की कृपा वर्षा की नहीं तो आज आपने हमें विनती कर दी कि अपना संपूर्ण पति हमारा स्थान ने क्षेत्र ने पावन कर सो जो साधु भगवान की अनुकूलता है चौकस हमारा स्थान ने वे साधु भगवान के को साधु भगवान काफी चाचू मार को खूब सुंदर लाभ पड़े 500 घर नो संघ जी आराधक वर्ग छे ने खूब सुंदर रीते यहां आराधना भाई जी चलो एमनी विनती है हमें बात एवं है कि महाराज ने कार्यक्रम बहुत है ये जवान पर